हेलो फ्रेंड्स, टेक्सुमो हरियाणा चैनल में आपका स्वागत। आई होप कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जिम्मी कंपनी की हमारे पास एक ट्रिमर आई है जिसको हम रिपेयर करेंगे। वैसे जहाँ पे मैं सेव करवा के आता हूँ वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है उनकी है, तो उन्होंने मार्केट में इसको रिपेयर करवाया था बट पैसे ले लिए, लेकिन ये हुई नहीं। तो आज हम इसको घर पर रिपेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, साथ में बेल आइकन को दबा दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां से मैंने इसको देख लीजिए खोल लिया है। तो ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है, ऊपर थोड़ा मेटल लगा हुआ है, तो आप इसको आसानी से खोल सकते हो। तो देखिए, मैंने आगे से इसको जैसे ही खोला तो मेरे को लगा कि पीछे की तरफ इसको खोलना है, तो यहाँ के दो स्क्रू हैं ये भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए पूरी तरह ओपन हो चुकी है, और इसका जो सर्किट बोर्ड है पीछे की तरफ देख सकते हो ये ब्लैक हो चुका है। ये एसी लाइन है, ये डीसी लाइन है इसकी। तो ये मोबाइल चार्जर से भी चार्ज होता है और एसी एडाप्टर से भी। तो देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ कॉम्पोनेंट लगे हैं और 1.2 वोल्ट की इसके अंदर दो बैटरी लगी है पैरेलल में, और इसमें एक मोटर है। ज़्यादा कुछ होता ही नहीं कोई भी ट्रिमर के अंदर फ्रेंड्स। तो देख सकते हो ये जो जैक है, इसमें हम एक बार सप्लाई दे के चेक करेंगे। और ये मोटर भी अच्छी क्वालिटी का इसमें लगा हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया है फ्रेंड्स, इन्होंने बैटरी इसके अंदर डाली हुई थी। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे मान लो कनेक्ट करता हूँ तो थोड़ा हीटिंग का प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसमें दो डायोड लगी है, इसमें से एक हिट हो रही है, तो हमारा जो सर्किट है वो ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो इसका हम एक देसी जुगाड़ करेंगे। कैसे करेंगे आप वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें हीटिंग कितनी है, उसके बाद मल्टीमीटर से हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। जहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए वहाँ पे हम चेक करेंगे। तो प्रोब मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे रख दी है, तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, देख सकते हो। यहाँ पे जो इसका पॉइंट है वहाँ पर, जहाँ इनपुट चाहिए वहाँ पर इसका दोस्तों कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं आ रहा आउटपुट। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगाया है, तो इसका ये दिखा रहा है 2.5 वोल्ट के अप्रोक्स। तो उसके बाद दोस्तों हम ये मॉड्यूल लेंगे और इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ये 3.7 लिथियम बैटरी के लिए होता है। तो वैसे इसमें मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें करंट आ चुका है, तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हमको करना है। क्या करना है तो दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है SMD की, वो निकाल के हमें 4.7 के की ये जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह ये लगा देनी है, और ये दोनों बैटरी हमारी बहुत ही अच्छे से चार्ज होगी इससे। तो इसका कनेक्शन मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो ज़्यादा वो नहीं है। आउटपुट में मैंने स्विच के थ्रू इसको दे दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ट्रिमर है काम कर रहा है, लेकिन ये अभी चार्ज नहीं है। तो हम इसको कुछ देर के लिए चार्जिंग में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसको चार्जिंग में लगा दिया है। तो आगे के ब्लेड को जैसे ही मैं थोड़ा टच करता हूँ तो ये चलती है, बाकी नहीं चलती। तो बैटरी बहुत ही मान लो डेड कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, अभी ये पूरा चार्ज हो गया है। तो अभी देखिए, मैं इसको आपको ये जो हाथ पे चला के दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है, और दोबारा से ये हमारी जो ट्रिमर है बन के रेडी हो गई है। तो देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हेयर। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से आप घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं। वैसे मेरे पास दो ट्रिमर और आई है रिपेयरिंग के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको रिपेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं मेरे